नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं इसका ये अंतिम पार्ट है। इसी के साथ में हमारा जो ये टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो हम आगे पढ़ना आरम्भ करते हैं। जिस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, बेराट सभ्यता। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, तो आप हेडिंग डालिएगा कौन सी सभ्यता, बेराट सभ्यता। आपको पता हो तो बेराट वर्तमान में नाम है, पहले इसका जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम क्या था, विराट नगर, है ना। प्राचीन नाम क्या था, विराट नगर, वर्तमान में नाम है बेराट सभ्यता। कहां पर विकसित हुई है ये, तो बेराट जो सभ्यता है ये बेराट सभ्यता विकसित हुई है, याद रखिएगा, बेराट नामक स्थान पर। कहां पर, बेराट, बेराट जो है वो कहां पर है, जयपुर में। कौन सा पुर, जयपुर। कौन सी नदी के किनारे है, तो बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, इस नदी के किनारे ये विकसित हुई है। तो हम इसका प्राचीन नाम लिखना चाहे तो बेराट का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है, याद रखिएगा, विराट नगर। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन जो नाम है वो प्राचीन नाम क्या है, याद रखिएगा, विराट नगर। प्राचीन जो नाम है वो प्राचीन नाम क्या है, याद रखिएगा, विराट नगर। कौन सी नदी के किनारे, तो जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का जो नाम है वो नाम क्या है, बाण गंगा, या इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाण गंगा या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे, इस याद रखिएगा, इस नदी के किनारे ये सभ्यता है, ये सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी। हम बात करें तो जो मत्स्य जनपद था, इस मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी कहाँ थी, याद रखिएगा, विराट नगर, है ना। जो एक जनपद, इस जनपद का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की, याद रखिएगा, जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, विराट नगर। कौन सा नगर, याद रखिएगा, विराट नगर। किसकी राजधानी, तो इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, याद रखिएगा, विराट नगर। विराट नगर जिसका वर्तमान में नाम क्या है, याद रखिएगा, बेराट। ऐसा याद रखिएगा, सर्वप्रथम इसका महाभारत में उल्लेख मिलता है, मत्स्य जनपद सर्वप्रथम महाभारत में उल्लेख, सर्वप्रथम महाभारत में उल्लेख, जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम महाभारत में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है कि मत्स्य जनपद था जिसकी जो राजधानी थी वो राजधानी कहाँ पर थी, याद रखिएगा, विराट नगर। इसी विराट नगर का जो वर्तमान में नाम है वो वर्तमान में नाम क्या है, याद रखिएगा, बेराट है। अब बात करें तो जयपुर के जो शासक थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय, इन्होंने सर्वप्रथम, याद रखिएगा, है ना, इन्होंने इसका, याद रखिएगा, इस सभ्यता के बारे में, याद रखिएगा, उत्खनन, या हम यूं कह सकते हैं, खोज करवाई थी। और उत्खननकर्ता की बात करें तो याद रखिएगा, है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन किया गया सन 1936-37 में। और सर्वेक्षण का जो कार्य किया था वो कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो बात करें हम उत्खनन करता सन, याद रखिएगा, 1936-37 सन 1936-37 में सर्वप्रथम सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा, साहनी द्वारा उत्खनन किया गया। तो सर्वप्रथम जो उत्खनन किया गया था वो उत्खनन किसके द्वारा किया गया था,
तो याद रखिएगा सन 1936-37 में जो सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था, वो सर्वप्रथम उत्खनन करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी थे, है ना, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। इनके बाद में जो उत्खनन करने का कार्य किया था वो कैलाश दीक्षित, कैलाश दीक्षित, और याद रखिएगा नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, इनके द्वारा याद रखिएगा क्या किया गया था, हम कह सकते हैं उत्खनन किया गया। जो उत्खननकर्ता जो है वो उत्खननकर्ता कौन है? एक तो जो उत्खननकर्ता है वो कैलाश नाथ, याद रखिएगा कैलाश दीक्षित, और दूसरे जो उत्खननकर्ता है वो कौन है? नील रत्न, याद रखिएगा बनर्जी। ये दोनों जो है वो दोनों कौन है, याद रखिएगा उत्खननकर्ता है। उत्खननकर्ता की बात करें तो इन दोनों का जो नाम आता है वो किस में आता है? उत्खननकर्ता में, याद रखिएगा नाम आता है। तो देखिएगा ये जो सभ्यता है कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा तीन पहाड़ियाँ, आपको तीन अलग अलग पहाड़ियाँ दिखाई देगी। कितनी पहाड़ियाँ याद रखिएगा? यहाँ से जो प्राप्त पहाड़ियाँ हुई है वो कुल प्राप्त कितनी पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा तीन पहाड़ियाँ, है ना, कुल जो पहाड़ियाँ प्राप्त हुई है वो कुल कितनी पहाड़ियाँ? तीन पहाड़ियाँ। एक जो पहाड़ी जिसे हम बोल सकते हैं बीजक की पहाड़ी, याद रखिएगा एक जो पहाड़ी जिसे हम क्या बोल सकते हैं? बीजक की पहाड़ी। दूसरी एक जिसे हम बोल सकते हैं, याद रखिएगा, है ना, गणेश डूंगरी। और तीसरी हम बोल सकते हैं, याद रखिएगा, भीम डूंगरी। ये तीन पहाड़ियां हैं और तीन पहाड़ियां यहां पर याद रखिएगा उत्खनन किया गया। जो सभ्यता स्थल है उस सभ्यता स्थल का जो नाम है वो नाम क्या, याद रखिएगा, बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता का उत्खनन क्यों, कौन सी पहाड़ियों का हुआ था? जो तीन पहाड़ियां हैं उनमें से एक जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का जो नाम है वो है बीजक की पहाड़ी। पहाड़ी का जो नाम है वो पहाड़ी का नाम क्या है, याद रखिएगा, बीजक की पहाड़ी। दूसरी जो है उसे कहा जाता है, हम कहते हैं गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी। तीसरी जिसे हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, भीम डूंगरी। कौन सी डूंगरी, याद रखिएगा, भीम डूंगरी। तो तीन हो गई, एक हो गई भीम डूंगरी, एक हो गई गणेश डूंगरी, और तीसरी जो है वो क्या हो गई, बीजक की पहाड़ी। यहां पर याद रखिएगा क्या किया गया, उत्खनन किया गया। यहां से प्राप्त जो शिलालेख मिले हैं इन्हें याद रखिएगा बाबरू का शिलालेख कहा जाता है, या सम्राट अशोक के, याद रखिएगा, शिलालेख कहलाते हैं, या सम्राट अशोक के, याद रखिएगा, ये लघु शिलालेख कहलाते हैं। यहां से जो प्राप्त शिलालेख हुए हैं वो याद रखिएगा दो शिलालेख, एक ये शिलालेख, एक दूसरा, दो अलग अलग है। ये है बाबरू का प्रथम शिलालेख, जिसे हम कह सकते हैं बाबरू का प्रथम शिलालेख, बाबरू का शिलालेख फर्स्ट, और दूसरा कह सकते हैं हम बाबरू का शिलालेख द्वितीय। बाबरू का शिलालेख द्वितीय, तो एक तो हो गया बाबरू का शिलालेख फर्स्ट, और दूसरा हो गया बाबरू का शिलालेख द्वितीय। जो बाबरू का फर्स्ट शिलालेख है इसे कैप्टन बर्ट ने, याद रखिएगा, कैप्टन बर्ट ने इसे खोजा था। इसको जो खोजने का श्रेय दिया जाता है वो किसको? कैप्टन बर्ट को। इसे कब खोजा गया था, याद रखिएगा 1837 में। कब खोजा गया, याद रखिएगा, इसे खोजा गया था सन 1837 ईस्वी में। और बाबरू का जो सेकंड शिलालेख है वो सन 1871-72 में कलाइल्स के द्वारा खोजा गया था, कलाइल्स के द्वारा। कब खोजा गया, याद रखिएगा, सन 1871-72,
दूसरा शिलालेख कब खोजा गया और प्रथम शिलालेख कब, याद रखिएगा, हम कह सकते हैं पहला शिलालेख और दूसरा शिलालेख। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि इन दोनों शिलालेख जो है वो दोनों शिलालेख इस पहाड़ी पर ही लगे हुए थे, पहाड़ी पर ही उखेरे गए थे। सन 1840 में इन दोनों शिलालेखों को हम यूं कह सकते हैं, जो पहला शिलालेख प्राप्त किया था 1837 में, उसको यहां से काटकर, उस पहाड़ी के भाग से काटकर इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो संग्रहालय है कहां पर, याद रखेगा, कलकत्ता में, इसे वहां पर भेज दिया था। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, इन शिलालेखों में क्या क्या मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन शिलालेखों को जो सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय दिया जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। बूस्ट ऑफ इदन शैली में, याद रखिएगा, खुदे हुए ये लेख है, और इनमें याद रखिएगा जो बोध रत्न के तीन हम त्रिरत्न है कौन कौन से, धम्म, बुद्ध और संघ, इनका याद रखिएगा उल्लेख मिलता है। गो हत्या पर प्रतिबंध का याद रखिएगा उल्लेख मिलता है। तो ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा यहां पर और क्या क्या मिलता है, तो इनके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि इन शिलालेखों में और क्या क्या मिलते हैं और क्या नहीं मिलते हैं। तो यहां पर ये तीन डोगनिया जिनका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया। अब देखिएगा, यदि हम बात करें बिजक के शिलालेख, याद रखिएगा बाबरू के शिलालेख की, जो यहां से प्राप्त हुआ है, है ना, बाबरू का शिलालेख, बाबरू का शिलालेख, पहली सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया था, कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया 1840 में, कब, याद रखिएगा 1840 में, है ना, कलकत्ता, है ना, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता संग्रहालय में भेज दिया। है ना, सन 1840 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता संग्रहालय में इसे, इस संग्रहालय को, इस शिलालेख को काट कर भेज दिया था। अब देखिएगा कौन सी शैली में मिलता है, तो याद रखिएगा बूस्ट ऑफ इदन पद्धति या बूस्ट ऑफ उदन शैली में उत्कीर्ण। बूस्ट ऑफ उदन शैली में, याद रखिएगा उत्कीर्ण, जिस शैली में उत्कीर्ण है वो शैली कौन सी है, याद रखिएगा बूस्ट ऑफ उदन, याद रखिएगा जो बूस्ट ऑफ उदन शैली है इस शैली में, याद रखिएगा ये है, ये उत्कीर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इन शिलालेखों में क्या क्या मिलता है, तो जेम्स प्रिंसेप को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय, तो पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है, जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। इनमें क्या क्या मिलता है, तो पहली बात हम ये लिख सकते हैं इन शिलालेखों, इस शिलालेख में सम्राट अशोक से संबंधित, नंबर एक, सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया है, सम्राट अशोक को मगध का शासक बताया गया, बताया गया, एक तो यह जानकारी मिलती है। दूसरी इससे जो जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख, त्रिरत्न का उल्लेख, त्रिरत्न कौन कौन से है, याद रखिएगा, नंबर एक धम्म, संघ, और तीसरा हम कह सकते हैं बुद्ध, धम्म, याद रखिएगा धम्म, संघ, और तीसरा क्या है, याद रखिएगा, है ना, बुद्ध। तीसरा, गो हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख, गो हत्या पर
प्रतिबंध का उल्लेख, किसका उल्लेख, याद रखिएगा, गो हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सम्राट अशोक को याद रखिएगा बुद्ध धर्म का अनुयायी या बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है ना। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया। कौन से धर्म का अनुयायी बताया गया, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का क्या बताया गया, अनुयायी बताया गया। कौन से शिलालेख में, तो ये जो जानकारियां मिलती है वो याद रखिएगा भाभरू के शिलालेख से प्राप्त होती है। तो आपको ये याद रखना भाभरू के शिलालेख से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। और इस शिलालेख में याद रखिएगा इस सभ्यता से जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं। शंख लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, पंचमारक सिक्के मिलते हैं, यूनानी सिक्के मिलते हैं, ये याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। जो बुद्ध विहार है अर्थात बौद्ध मंदिर के अवशेष मिलते हैं, स्तूप मिलता है जो हीनयान शाखा का है, और मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की याद रखिएगा प्रतिमा मिलती है। दयाराम जो सानी है, दयाराम सानी के अनुसार याद रखिएगा जो हूण शासक थे मिहिर कुल के द्वारा यहाँ के मंदिरों और स्तूपों को ध्वस्त करवाया गया, ऐसा जो कहता है वो दयाराम सानी कहता है। तो यहाँ पर इस सभ्यता स्थल से क्या क्या मिलते हैं, एक तो याद रखिएगा महाभारतकालीन अवशेष, महाभारतकालीन अवशेष, कौन से अवशेष याद रखिएगा महाभारतकालीन क्या मिलते हैं, याद रखिएगा अवशेष मिलते हैं जैसे भीमकुंड तालाब, भीमकुंड तालाब यहां से प्राप्त होता है। ऐसा है कि भीम ने इसका, याद रखिएगा है ना, भीम ने लात मार के इसका निर्माण किया था, पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ बिताया था, ऐसा यहाँ पर उल्लेख मिलता है। भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष, याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष, भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष, भारत में जो सर्वप्रथम मंदिरों के जो अवशेष मिलते हैं वो मंदिरों के अवशेष याद रखिएगा यहीं से प्राप्त होते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा यहां से याद रखिएगा क्या क्या मिलते हैं, यहीं से याद रखिएगा बौद्ध मंदिर के प्रमाण या बौद्ध मंदिर के अवशेष, अवशेष मिलते हैं है ना, स्तूप मिलते हैं जो हीनयान शाखा का है, कौन सी शाखा से संबंध रखता है, हीनयान शाखा से संबंध रखता है, मथुरा शैली में है ना गौतम बुद्ध की प्रतिमा, कौन सी शैली में याद रखिएगा मथुरा शैली में, गौतम बुद्ध की प्रतिमा,
कौन सी शैली में, याद रखिएगा, मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की क्या मिलती है, प्रतिमा मिलती है, संक लिपि, संक लिपि के साक्ष्य है ना, चित्रकला के प्रमाण, चित्रकला के प्रमाण, चित्रकला के याद रखिएगा क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, पंचमारक सिक्के वे यूनानी सिक्के, सिक्के वे याद रखिएगा यूनानी सिक्के, ये यहाँ से प्राप्त होते हैं। कौन सी सभ्यता से, याद रखिएगा बेराट सभ्यता से ये अवशेष मिलते हैं। दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने यहाँ के मंदिरों स्तूपों को, याद रखिएगा, ध्वस्त करवा दिया था। किसके अनुसार, तो दयाराम साहनी के अनुसार। दयाराम जो साहनी है वो दयाराम साहनी कहता है कि यहाँ के मंदिरों को और स्तूपों को है ना हूण शासक मिहिर कुल ने, याद रखिएगा, ध्वस्त करवा दिया था। तो हूण शासक मिहिर भोज के द्वारा यहां के मंदिरों वे उस स्तूपों को ध्वस्त कराया गया। किसके द्वारा ध्वस्त करवाया गया था, तो याद रखिएगा हूण शासक जो थे कौन, मिहिर भोज, इनके द्वारा। किसके अनुसार, तो ये जो बात कहते हैं वो बात कौन कहते हैं, याद रखिएगा दयाराम साहनी कहते हैं। तो याद रखिएगा दयाराम साहनी के अनुसार। तो देखिएगा ये सभ्यता, इसी के साथ ये जो सभ्यता है ये सभ्यता कंप्लीट हो गई। जो सभ्यता है, इस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या, याद रखिएगा बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कहाँ पर, याद रखिएगा बेराट, बेराट नामक जो स्थान है वो बेराट स्थान कहाँ पर है, जयपुर में। इसका जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम क्या, याद रखिएगा विराट नगर। कौन सी नदी के किनारे, तो जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का जो नाम है वो नाम क्या, याद रखिएगा बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, याद रखिएगा विराटनगर। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी, राजधानी का नाम विराटनगर। और सर्वप्रथम महाभारत के जो अवशेष, महाभारत में इसका, याद रखिएगा, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा सन 1936-37 में सर्वप्रथम जो उत्खनन किया गया वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, याद रखिएगा दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद में सर्वेक्षण का जो कार्य है वो, याद रखिएगा, कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी के द्वारा किया गया। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं तीन पहाड़ियाँ, जिसमें से याद रखिएगा बीज की पहाड़ी है ना, भीम डूंगरी है ना, और इसके अलावा है गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। भीम डूंगरी पर ही, याद रखिएगा, भीमलत कुंड मिलता है। कौन सा कुंड मिलता है, याद रखिएगा भीमलत कुंड मिलता है। गौतम बुद्ध की अस्थियों का सोने का कलश, याद रखिएगा क्या मिलता है, एक सोने का कलश मिलता है, सोने का कलश। और इसमें याद रखिएगा गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष, गौतम बुद्ध की अस्थियां, गौतम बुद्ध की अस्थियों का, याद रखिएगा, सोने का क्या मिलता है, कलश मिलता है, वो यहीं से मिलता है।
बाबरू का शिलालेख के पार्ट दो खोजे गए। बाबरू का शिलालेख कैप्टन बर्ट के द्वारा सन 1837 में, याद रखिएगा, लेकिन 1840 में इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, याद रखिएगा, बंगाल भेज दिया था कलकत्ता। कौन सी शैली में है? बुस्टोफुदन शैली में है। जेम्स प्रीशेप, याद रखिएगा, है ना, जेम्स प्रीशेप को सर्वप्रथम, याद रखिएगा, पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है, धम्म संघ और बुद्ध। गोहत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है। और सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा, अनुयायी बताया गया है। जो सम्राट अशोक है वो सम्राट अशोक को, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का क्या बताया गया है? अनुयायी बताया गया है। अगली बात समझ में। इसके बाद में यदि हम बात करें तो महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से। भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के जो अवशेष मिलते हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं। बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। स्तूप जो हीनयान शाखा का है, मथुरा शैली में, कौन सी शैली में, याद रखिएगा, मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। संक लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं, पंचमार्ग सिक्के, यूनानी सिक्के यहीं से प्राप्त होते हैं। दयाराम साहनी की बात माने तो दयाराम साहनी के अनुसार जो हूण शासक थे मिहिर भोज, इन्होंने, याद रखिएगा, और उस तोपों को क्या करवाया था, याद रखिएगा, ध्वस्त करवाया, ऐसा उल्लेख मिला है।
देखिएगा आगे पढ़ते हैं हम अगली सभ्यता। इसी के साथ ये सभ्यता कंप्लीट हो गई। सभ्यता का जो नाम था वो विराट सभ्यता, विराटनगर सभ्यता भी कह सकते हैं। अगली एक सभ्यता जिसका नाम जो है वो नाम क्या याद रखिएगा, बालाथल, है ना। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, बालाथल स्थल या बालाथल सभ्यता। जो बालाथल सभ्यता है, कौन सी सभ्यता याद रखिएगा, जो बालाथल सभ्यता है कहां पर याद रखिएगा, बालाथल जो सभ्यता है वो बालाथल, बालाथल जो है वो बालाथल कहां पर है याद रखिएगा, उदयपुर। कौन सी तहसील, वल्लभ नगर तहसील याद रखिएगा, उदयपुर। आहाड़ सभ्यता के समान ही यहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो गजब बातें हैं, मुख्य बातें, राजस्थान में बेराट, अभी अभी हमने जो पढ़ा है ना बेराट सभ्यता, वहां से बुनावा वस्त्र मिला है ना, बुनावा वस्त्र। उसके अलावा याद रखिएगा केवल यहां पर मिला, इन दो जगह याद रखिएगा बुनावा वस्त्र मिला है। यहां पर गाय और बैलों की मर्ण मूर्तियां मिली है, और बैल को याद रखिएगा उत्खननकर्ताओं ने बालाथल बुल की संज्ञा दी है। कंकाल की प्राप्ति हुई है, जो भारत में कुष्ठ रोग का सबसे हम यूं कह सकते हैं पुरातन प्रमाण है। कंकाल 4000 वर्ष पुराना है, और दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष मिले हैं। 11 भवनों का याद रखिएगा एक कमरा मिला है। ये जो इनके बारे में पूछे, ये कहां पर मिले हैं, तो याद रखिएगा बालाथल से प्राप्त हुए हैं। तो बालाथल जो है वो बालाथल कहां पर है ना, बालाथल स्थान कहां पर याद रखिएगा, वल्लभ नगर तहसील, और जो जिला है वो जिला कौन सा याद रखिएगा, उदयपुर। जो जिला है वो जिला कौन सा याद रखिएगा, उदयपुर, बालाथल उदयपुर। अगली बात समझ में, आठ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए। आठ सभ्यता के समान यहां अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहाड़ सभ्यता के समान याद रखिएगा, यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में बेराट के बाद बुनावा वस्त्र केवल इसी स्थान से प्राप्त हुआ है, ये इसकी मुख्य विशेषता है ना। राजस्थान में बेराट सभ्यता के बाद किसके बाद, बेराट सभ्यता के बाद बुनावा वस्त्र केवल बालाथल स्थल से प्राप्त हुआ है। कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है याद रखिएगा, केवल और केवल जिस स्थान से प्राप्त हुआ है उस स्थान का जो नाम है वो नाम क्या याद रखिएगा, केवल बालाथल स्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर याद रखिएगा दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष और 11 भवनों का याद रखिएगा एक कमरा मिला है। तो दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष और 11 कमरों का 11 याद रखिएगा है ना 11 भवनों का कमरा यहीं से प्राप्त हुआ है। दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष वे 11 भवनों का कमरा प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा 11 भवनों का क्या प्राप्त हुआ है, कमरा प्राप्त हुआ है। दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष वे 11 भवनों का याद रखिएगा कमरा प्राप्त हुआ है। गायें और बैलों की मर्ण मूर्तियां भी यहीं से मिली है, गायें वे बैलों की मर्ण मूर्तियां और जो बेल मिला है इसे याद रखिएगा क्या कहा गया, बालाथल बूल।
कौन सा बुल? बालाथल बुल, या इसे याद रखिएगा बालाथल बुल या ओक्स, इसकी संज्ञा दी है। और यहां एक 4000 वर्ष पुराने कंकाल की प्राप्ति हुई है, जो भारत में याद रखिएगा कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण है। यहां से याद रखिएगा 4000 वर्ष है ना, 4000 वर्ष, कितना वर्ष याद रखिएगा, 4000 वर्ष पुराना या 4000 वर्ष पुराने कंकाल की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति याद रखिएगा, कंकाल की प्राप्ति, कितने हजार वर्ष याद रखिएगा, 4000 पुराने याद रखिएगा कंकाल की प्राप्ति है ना। इससे यह पता चलता है भारत में कुष्ठ रोग का, भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण, सबसे पुरातन प्रमाण, भारत में कुष्ठ रोग का जो सबसे पुरातन प्रमाण मिला है वो यही यहीं से मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन याद रखिएगा जो प्रमाण मिला है वो यहीं से मिला है। कितने हजार वर्ष याद रखिएगा, 4000 वर्ष पूर्व का कंकाल। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो किससे संबंधित याद रखिएगा, बालाथल स्थान से संबंधित है। तो ये बात समझ में आ गई, बालाथल सभ्यता याद रखिएगा कौन सा जिला है, उदयपुर बालाथल। आहाट सभ्यता के समान यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता के बाद याद रखिएगा बुना हुआ जो वस्त्र मिला है, वो बुना हुआ वस्त्र केवल दो ही जगह, एक तो मिला है बालाथल से और एक जो मिला है वो कहाँ से मिला है याद रखिएगा, बेराट से मिला है। 4000 वर्ष पुराने कंकाल की प्राप्ति जो भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण है। दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष कहाँ मिले, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ना। और 11 भवनों का याद रखिएगा कमरा, गाय और बैलों की मर्ण मूर्तियां, बैल जिसे उत्खननकर्ताओं ने बालाथल बुल की संज्ञा दी थी। अब आगे हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं उस सभ्यता स्थल का जो नाम है वो नाम क्या है याद रखिएगा, कुराड़ा। सभ्यता स्थल का जो नाम है वो नाम क्या है याद रखिएगा, कुराड़ा। कुराड़ा जो है वो कुराड़ा सभ्यता जो है, ये कुराड़ा सभ्यता कहां पर है, तो एक गांव है नागौर जिले में जिसका नाम है कुराड़ा गांव नागौर है ना, कुराड़ा गांव। और कुराड़ा गांव जो है वो कुराड़ा गांव कहां पर है याद रखिएगा, जो जिला है वो जिला कौन सा याद रखिएगा, नागौर, पर्वतसर तहसील में है। इसके बारे में ये कहा जाता है, इसकी जो खोज हुई थी वो मई 1934 में हुई थी, और मई 1934 में 103 ताम्र उपकरण, ताम्र पत्रों की याद रखिएगा प्राप्ति हुई है। स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों व ताम्र पत्रों की जो प्राप्ति हुई है वो इसी स्थान से हुई है, नोट करके रखिएगा। स्वतंत्रता से पहले, यदि स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों वे ताम्र पत्रों की प्राप्ति के बारे में आपसे पूछे तो उस स्थान का नाम याद रखिएगा, कुराड़ा है। यह सेकंड ग्रेड आरपीसी में याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, चाहे हम बात करेंगे गणेश्वर की, चाहे हम बात करेंगे आहड़ की, वहां पर भी ताम्रकालीन उपकरण मिले हैं। लेकिन स्वतंत्रता से पहले यदि कहीं पर ताम्रकालीन उपकरण या ताम्र पत्रों की प्राप्ति हुई है तो उस स्थान का जो नाम है वो कुराड़ा स्थान है। यहां प्रणाल याद रखिएगा, प्रणाल युक्त एक अज्ञेय पत्र मिला है जो ईरान के साथ पारस्परिक संबंधों का याद रखिएगा घोतक है। जो कुराड़ा स्थान जो है वो कौन से जिले में है, तो जो जिला है वो जिला कौन सा याद रखिएगा, नागौर। इस सभ्यता की याद रखिएगा जो खोज की गई थी वो खोज मई 1934 याद रखिएगा, कब, मई 1934 में याद रखिएगा इसकी खोज की गई थी। और यहां पर मई 1934 में 103 ताम्र उपकरण या ताम्र पत्रों की प्राप्ति हुई थी है ना, 103 ताम्र उपकरण
या ताम्र पत्रों की प्राप्ति। याद रखिएगा यहां पर कितने ताम्र पत्रों की प्राप्ति हुई, 103 ताम्र पत्रों की, याद रखिएगा, प्राप्ति हुई। कब? मई 1934 में। और स्वतंत्रता से पूर्व, याद रखिएगा, ताम्रकालीन उपकरणों वे ताम्र पत्रों की जो प्राप्ति हुई है वो इसी स्थान से हुई है। इस सभ्यता में, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, किससे पहले? स्वतंत्रता से पूर्व, है ना, स्वतंत्रता से पूर्व, किससे पूर्व? याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व। ताम्रकालीन उपकरणों, ताम्रकालीन, याद रखिएगा, उपकरणों, या हम यू कह सकते हैं ताम्र पत्रों की प्राप्ति। प्रणाली युक्त अज्ञपत्र, जो याद रखिएगा ईरान के साथ, किसके साथ, याद रखिएगा, ईरान के साथ पारस्परिक संबंधों का द्योतक है। याद रखिएगा, यह है ईरान के साथ पारस्परिक संबंधों का द्योतक है। संबंधों का, याद रखिएगा, द्योतक है। प्रणालीयुक्त, याद रखिएगा, अज्ञपत्र यहां से प्राप्त हुआ है। कुराड़ा गांव जो है वो नागौर में। मई 1934, 103 ताम्र उपकरण या ताम्र पत्रों की प्राप्ति, स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों की प्राप्ति या ताम्र पत्रों की प्राप्ति जो हुई है वो कुराड़ा स्थान से हुई है। ये इसमें आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। देखिएगा, अब हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता, है ना, जो जो सभ्यता है, इस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर जो सभ्यता है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा, है ना, सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता, है ना। गणेश्वर जो सभ्यता विकसित कहाँ पर हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो सभ्यता है इस सभ्यता का नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर विकसित हुई है, तो नीम का थाना जो जिला है वो जिला कौन सा, सीकर, है ना, नीम का थाना जिला सीकर।
नीम का थाना, और जो जिला है वो जिला कौन सा याद रखिएगा, सीकर। कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, याद रखिएगा कांतली नदी के किनारे। जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा कांतली नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम क्या है, कांतली नदी। इसे भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जो जननी है वो गणेश्वर है। ताम्र संचय सभ्यता भी कहा जाता है इसको। ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता, याद रखिएगा यह भी इसका नाम लिया जाता है। तो इसके नाम में याद रखिएगा महत्वपूर्ण इसके जो नाम आते हैं वो तीन नाम आते हैं। पहली, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की, याद रखिएगा, जननी कहलाती है। भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की, याद रखिएगा, ये क्या कहलाती है, जननी कहलाती है। ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है इसे। ताम्र संचयी, याद रखिएगा, सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता, याद रखिएगा, ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता भी कहा जाता है इसे, याद रखिएगा। ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता, ताम्रकालीन सभ्यताओं में, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसके तीन नाम हैं। तो ये सभ्यता, याद रखिएगा, विकसित जो हुई थी वो, याद रखिएगा, है ना, सड़क का निर्माण किया जा रहा था तब, याद रखिएगा, ये सभ्यता प्रकाशन में आई कांतली नदी के किनारे। तीन जो है वो तीन इसके उपनाम है। भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की ये जननी कहलाती है। ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। ताम्रकालीन सभ्यताओं में, याद रखिएगा, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता, जो सभ्यता का नाम है वो नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं वो ताम्र उपकरण है ना। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ताम्र उपकरणों की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, तो याद रखिएगा, ताम्र उपकरणों की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। ताम्र उपकरणों में बाणाग्र चूड़ियां, जो चूड़ियां मिली है वो भी, याद रखिएगा, तांबे की मिली है। फार से मिले हैं, कुल्हाड़ मिली है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तीर मिले हैं, सुई मिली है, गजब बात है, सुई, और सुई भी किसकी, तांबे की, भाले मिले हैं। इनमें याद रखिएगा 99% तांबे से ये निर्मित होते थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो मानव थे, वो वहाँ के मानव तांबे के साथ, है ना, अन्य धातुओं के मिश्रण से, याद रखिएगा, परिचित नहीं थे। तो यहां से जो प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या प्राप्त हुए हैं, बाणाग्र प्राप्त हुआ है। बाणाग्र, याद रखिएगा, भाले, चूड़ियां, ये सभी तांबे की बनी हुई है, चूड़ियां, सुइयां, क्या मिली है, याद रखिएगा, सुइयां, है ना, फार से कुल्हाड़, फार से कुल्हाड़, क्या मिले हैं, याद रखिएगा, फार से कुल्हाड़, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का, याद रखिएगा, कांटा, तीर मिले हैं, क्या मिले हैं, याद रखिएगा, तीर। इनकी जो प्राप्ति हुई है, याद रखिएगा, इनकी प्राप्ति कहाँ से हुई है ना,
ताम्र उपकरणों की जो प्राप्ति हुई है, ये ताम्र उपकरण, गजब बात यह है कि ये 99% तांबे से निर्मित, 99% याद रखिएगा इनमें तांबा था, 99% याद रखिएगा तांबे से निर्मित। किसे निर्मित? इसका मतलब यहां के मानव तांबे के साथ अन्य धातुओं, है ना, यहां के लोग या यहां के मानव तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित नहीं थे। ये याद रखिएगा, गजब विशेषता है। तो यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ के लोग याद रखिएगा, तांबे के साथ अन्य किसी धातुओं के मिश्रण से याद रखिएगा, है ना, धातुओं के साथ मिश्रण से याद रखिएगा, परिचित नहीं थे। यहाँ पर मकान जो मिले हैं वो याद रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता में याद रखिएगा, आपको वेरी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। यहीं से मकान और याद रखिएगा, यहां मकान पत्थरों से बने हुए मिले हैं, यहां मकान पत्थरों से बने हुए मिले हैं। किससे बने हुए मिले हैं याद रखिएगा, पत्थरों से निर्मित बांध, पत्थरों से निर्मित बांध पत्थरों से याद रखिएगा, निर्मित क्या मिला है याद रखिएगा बांध, और यहां मकान पत्थरों से बने हुए मिले हैं, ये याद रखिएगा प्रमुख विशेषता है। किसकी विशेषता? तो याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कांतली नदी से लोग, यहां के लोग याद रखिएगा, मछली पकड़ते थे, है ना, कांतली नदी से यहाँ के लोग मछली पकड़ते थे, यहाँ के लोग क्या पकड़ते थे याद रखिएगा, मछली पकड़ते थे। ये जो प्रमुख विशेषता है वो प्रमुख विशेषता कौन सी सभ्यता से, तो याद रखिएगा जो सभ्यता स्थल है उस सभ्यता स्थल का जो नाम है वो नाम क्या है, प्रमुख सभ्यता का स्थल है, जैसे आप याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछे जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, कौन सी पूरा याद रखिएगा, जोधपुरा, जोधपुरा जो है वो याद रखिएगा जयपुर में है, कहाँ पर है याद रखिएगा, जोधपुरा जो सभ्यता स्थल है वो जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ पर है याद रखिएगा, जयपुर में। जयपुर में है ना। नोहे सभ्यता के बारे में पूछे भरतपुर, नोहे सभ्यता स्थल जो है वो कहां पर, भरतपुर,
है ना, नगर सभ्यता जो है वो नगर सभ्यता कहाँ पर है, केवल नाम है नगर, याद रखिएगा टोंक, है ना, जो नगर सभ्यता है वो नगर सभ्यता कहाँ पर है याद रखिएगा टोंक, है ना, नाम क्या है याद रखिएगा नगर। इसके अलावा बात करें एलाना सभ्यता कहाँ पर है, एलाना तो याद रखिएगा जालोर, है ना, कहाँ पर है याद रखिएगा सोंथी पूछे, तो याद रखिएगा सभ्यता स्थल जो है वो कौन सा है याद रखिएगा सोंथी, तो सोंथी जो सभ्यता स्थल है वो याद रखिएगा बीकानेर, बीकानेर सोंथी सभ्यता स्थल, है ना, सोंथी सभ्यता स्थल जो है वो कहाँ पर है बीकानेर, है ना, मल्ला सभ्यता स्थल भरतपुर, मल्ला जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर है याद रखिएगा भरतपुर में है, है ना, कणसवा पूछे तो याद रखिएगा कोटा, कणसवा पूछे तो याद रखिएगा कहाँ पर है कोटा। नंबर 8 पर बात करें नैनवा पूछे तो याद रखिएगा बूंदी, नैनवा सभ्यता स्थल पूछे तो बूंदी याद रखिएगा। नंबर 9 तिलवाड़ा सभ्यता पूछे तो याद रखिएगा बाड़मेर, कौन सी सभ्यता, तिलवाड़ा कहां पर है याद रखिएगा बाड़मेर में, गिलंडू राजसमंद में, गिलुंड जो है वो कहां पर है याद रखिएगा राजसमंद, कहां पर है याद रखिएगा राजसमंद, डाडा थोरा याद रखिएगा बीकानेर, कहां पर है याद रखिएगा बीकानेर में है, है ना। दर पूछे तो याद रखिएगा भरतपुर, दर जो है वो दर कहां पर है भरतपुर में, दर सभ्यता स्थल याद रखिएगा भरतपुर में। इसवाल पूछे तो याद रखिएगा उदयपुर, इसवाल सभ्यता स्थल पूछे तो कहां पर है याद रखिएगा उदयपुर में है, जूनाखेड़ा पाली में, जूनाखेड़ा जो है वो जूनाखेड़ा कहां पर है याद रखिएगा पाली में, है ना। लाछुरा पूछे तो भीलवाड़ा, लाछुरा कहां पर है याद रखिएगा भीलवाड़ा में, ओला और कुंडा जैसलमेर, ओला और कुंडा जो सभ्यता स्थल है ये कहां पर है याद रखिएगा जैसलमेर में है। अगली बात समझ में, तो ये याद रखिएगा राजस्थान में। इंद्रगढ़ एक पूछ ले आपसे, इंद्रगढ़ जो है वो इंद्रगढ़ कहां पर है याद रखिएगा, ये अन्य राजस्थान के याद रखिएगा प्रमुख सभ्यताओं के स्थल है, इनमें नाम और आपसे जिले का नाम पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं पुरातत्व स्थल, ये टॉपिक समाप्त हुआ है। नई क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।